इंदौर जिले के बेटमा नगर में एक पॉजिटिव मिला, जिसके चलते प्रशासन सकते में आया एवं बेटमा नगर में सनसनी फैल गई। देपालपुर एसडीएम प्रतुल सिन्हा अपने दल बल के साथ सागौर रोड बेटमा मौके पर पहुंचे। तहसीलदार बजरंग बहादुर, एसडीओपी देपालपुर, बेटमा थाना प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह चौहान, वही कोरोना पॉजिटिव मरीज को इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में रेफर किया गया। देपालपुर बेटमा शुभम पटेल की रिपोर्ट। चलो आप लोग अभी रहोगे या इसी मकान में है? ये जो कटर लगा है ना, इसी में बाहर आ गया था, बाद में हो गई है गाड़ी भी मार्शल क्रॉस हो गई है। मेरे पास बात हो रही है बाहर से आया हुआ है, ये साजिद इसका रिलेटिव था ना। पेशेंट कोरोना जिसका कि सैंपल पूर्व में लिया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल भेजा गया है। पूरे एरिया को हमने सैनिटाइज कर दिया है, लोगों को अवेयर करने के लिए फिर से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति ने इसके संपर्क में आए हैं या इनके परिवार के संपर्क में आए हैं तो उसकी जानकारी तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया गया है। और कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, इसका अनुरोध भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।